और उनके साथी। मैं आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे जो मंत्री थे, वन विभाग को देख रहे थे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में आप शामिल होने आदरणीय दादा सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ उनके बड़ी संख्या में लोग आए हैं, साथ ही साथ उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों को आना था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आए और हम लोगों ने जानबूझ करके रोका कि इधर हम सब मिलकर के प्रोटोकॉल को मानेंगे, प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको अपनाएंगे। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये वो साथी हैं जो अपने आप में नेता हैं, न केवल अपने गांव के बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी प्रभाव छोड़ने वाली ये नेता है। मैं एक एक दारा सिंह चौहान जी के साथ आए हुए साथी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस लड़ाई में जो आप साथ देने आए हैं। कुछ लोगों के नाम मैं पढ़ सकता हूं, योगेंद्र चौहान जी हैं, शारदा प्रसाद चौहान जी हैं, मोहन चौहान जी हैं, ब्रजभान चौहान, बाघ सिंह चौहान, डीपी सिंह चौहान, अग्नि प्रताप सिंह जी, उग्रसेन चौहान, विभूति चौहान, विष्णु प्रताप चौहान, सुरेश राम, देवेंद्र चौहान, डॉक्टर सूरनाथ चौहान जी, रविंद्र गुप्ता जी, लालता चौहान, राम रफीक राजभर जी, रमेश चौहान जी, दुर्वेश सिंह चौहान, ई दिनेश सिंह चौहान, लालता चौहान, संतोष चौहान, चतुर्भुज चौहान, राम भजन चौहान जी, राम प्रवेश चौहान, ब्रजमोहन चौहान, राजेश चौहान जी के साथ साथ और भी नाम है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं कहूँगा उन सभी नामों को पार्टी की सूची में शामिल कर करके इन सभी साथियों से अपील होगी कि आने वाले चुनाव में हमारी अपनी जगह पर रह करके हमारी मदद करने का काम करें। दूसरे डॉक्टर आर के वर्मा जो विधायक हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि इस लड़ाई में आप साथ देने आए हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोगों का आप सहयोग और मदद करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं, हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया, कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ देकर के हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये सर्वे में हो सकता है न जाने कैसे दिखाएं, झूठे सर्वे में न जाने क्या क्या दिखाएंगे,
ये झूठे सर्वों में क्या क्या दिखाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत हम लोग सब जानते हैं। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं, और इतने कूटे जा रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस उपलब्धि को बताएं। इनकी कोई उपलब्धि हो तो बताएं, उपलब्धियां हैं नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मंत्री रह करके दारा सिंह चौहान जी ने बहुत मेहनत कर करके विभाग में जो कुछ कर सकते थे करने का प्रयास किया और लगातार कोशिश करते रहे। लेकिन पता नहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कैसे हैं, उन्हें पेड़ पौधों से कुछ लगाव भी नहीं है, जानवरों से कोई लगाव नहीं है, उन्हें कोई नदियों से लगाव नहीं। मुझे याद है कि जब मैं एक बार विदेश यात्रा पे गया था तो मैंने वहां जानकारी की अपने लोगों से, जो जो जानकार थे उस देश के, कि हमारे छोटे बच्चे हैं उनको कहां लेकर के जाऊं। उस समय जो हमारे मित्र थे उन्होंने सुलह मुझे राय मशवरा दिया कि आप जाइए और एक बहुत अच्छी सफारी बनी है वो देख करके आइए। वो लॉन्ग लीड सफारी थी जिसको मैंने देखा था अपने बच्चे और परिवार के साथ, और मैंने उसी समय मन बना लिया था कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो नेताजी ने काम शुरू किया था उस काम को पूरा कर करके उससे भी अच्छी एक लाइन और एनिमल सफारी बनाने का काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा उस दिन जब आप मंत्री की हैसियत से उसको उद्घाटन करने गए, और अगर आप नहीं चाहते तो शायद उद्घाटन नहीं होता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उद्घाटन ही नहीं करना चाहते थे। मैं देखता था वहां एक डायरेक्टर आया, दूसरा डायरेक्टर आया, एक तारीख दी, दूसरी तारीख दी, डायरेक्टर हट गया, दूसरा डायरेक्टर आ गया, फिर तीसरा डायरेक्टर आ गया, तारीखें बदलती रही। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके और पूरी बहादुरी के साथ उस लायन सफारी का उद्घाटन किया, एनिमल सफारी का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आपने नेताजी और समाजवादी पार्टी को कहा कि इन्हीं की वजह से इतनी अच्छी लायन सफारी बनी। मुझे उसी दिन लग गया था कि अब इनको साथ लाना है, क्योंकि हम संजय चौहान जी को ला रहे थे साथ, आगे बढ़ा रहे थे। हमारे डॉक्टर संजय चौहान हैं जिनके दल को हम साथ लेकर के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस दिन मैंने इटावा का वो भाषण सुना, इसलिए कोई कुछ कहता रहे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेजी की कहावत ही नहीं जानते। कहावत जानते भी होंगे तो डिप्रेशन में चले गए, डैमेज कंट्रोल में चले गए, तो समझ में नहीं आ रहा होगा। एक अंग्रेजी में कहावत है स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे पत्रकार साथियों, सवाल इधर उधर वाले मत करो। अंग्रेजी की कहावत है स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हमें तो उसी दिन अच्छा लगा था कि जब आपने लायन सफारी का उद्घाटन किया और वो काम भी आगे बढ़ाए जो कभी समाजवादियों ने काम किए थे। बर्ड फेस्टिवल कौन करता है? बर्ड फेस्टिवल हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किससे प्यार है। कभी कभी तस्वीर तो आती है, हमें डर लगता है तो उस तस्वीर को सही मानू कि बुरा मानू या गलत मानू। कभी कभी एक तस्वीर चलती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो वो किसी को गोदी में बैठाए हुए हैं। अरे भाई जानवर क्यों बदल रहे हो? कौन किसको गोदी में बैठाए वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्या नाम बदल देते हो आप लोग? तो इसलिए कभी कभी डर लगता है जो सोशल मीडिया है तो उस सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो सच है कि नहीं सच है, इसलिए वो आप तय कर लो। लेकिन समाजवादी सरकार में पहली बार बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, चंबल के किनारे किया गया, और दुनिया के बड़े बड़े देशों से लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए, उस काम को आगे बढ़ाया आपने। लखीमपुर में भी बर्ड फेस्टिवल हुआ, लेकिन लाख प्रयास के बाद
वो वर्ल्ड फेस्टिवल दोबारा नहीं हो पाया। बताओ, जिन्हें पेड़ पौधों से प्यार ना हो, जिन्हें अपनी नदियों को साफ करने में लगाव ना हो, जिन्हें पक्षियों से ना कोई प्यार हो, वो आखिरकार जनता से और हमारे जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनकी दुख और तकलीफ कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे। और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी, वो खिचड़ी खा रहे थे, कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा था। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैंपू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया, साबुन और शैंपू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर गरीब आज शैंपू साबुन से, या उसके पास तेल नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है, कपड़े नहीं है, महंगाई है, तो आज का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर वो संपन्न होते तो वो अच्छे कपड़ों में होते, साफ सुथरे होते, और उनके साथ बैठने में उन्हें भी सम्मान लगता, क्योंकि जानते थे कि गरीब है, हो सकता है दो दिन तीन दिन से ना नहाया हो, परेशानी में रहा हो, वो जानता नहीं है, इसीलिए साबुन और शैंपू भिजवाए थे। और वोट के बहाने, देखो वो कहानी क्या थी, बहेलिया वाली कहानी, कुछ बहेलिया वाली कहानी है जिसमें दाना डाल के पकड़ते हैं, कौन नहीं जानता ये बात। वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे हैं लोग, इसलिए हर वर्ग के लोग समझ गए हैं कि वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए सब साथ आए और भाजपा की जमानत जब्त कराएं, यही हमारा निवेदन है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआईएल कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को, अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा, तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेंगे। देखो भाई, हमें उलझाओ मत, अब भाई हमें उलझाओ मत, हम पतंग वतंग नहीं उड़ाते, ना मंजे अंजे रखते, हम उलझना नहीं चाहते किसी चीज से। अरे रुक जाओ भाई, भी गिफ्ट मिलेगा थोड़ी देर में, हमें वो मिलेगा सामान, अभी रुक जाइए, अभी रखे ना, अभी रखो, नहीं नहीं आप देखिए, हाँ देखिए किसी, एक मिनट, ये महत्वपूर्ण सवाल है, मैं तुम्हारा लेंगे सवाल, तुम्हारा पिछली बार बहुत अच्छा सवाल था, वो तो मैंने बात ऐसी टाल दी थी पिछली बार। नहीं देखिए, ये हमारे साथी जो बोल रहे हैं, अब मत बोलिए कुछ भी, अब हम लोग चुनाव के मैदान में चले गए हैं, अब चुनाव से पहले हम सब जितना त्याग कर सकते थे त्याग किया है, और आज भी त्याग कर रहे हैं हम लोग, हमारी पार्टी के लोग और हम लोग अभी भी त्याग कर रहे हैं, इसलिए कि हम सब लोगों को साथ लाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, और साथ लाने के लिए हम तो कहते हैं त्याग करें सब लोग। अगर हम लोग त्याग कर रहे हैं तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो भी त्याग करें। ये लाइव रखना, यही वर्चुअल रैली है, नहीं हम पे एफआईआर हो जाएगी। देखिए अभी हमारा
घोषणा पत्र आने वाला है। घोषणा पत्र में बहुत सारी बिंदु ये सब शामिल होंगी कि उत्तर प्रदेश में हम किस तरीके से जनता की सेवा करें, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं। और जहां तक आज हमारा चौहान समाज इतने बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है पार्टी से, उनके तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसे उनके फैसले हैं जिनके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है, उनको भी हक और सम्मान मिले उस पर समाजवादी पार्टी काम करेगी। और जहां बड़े बड़े सवाल हैं प्राइवेट को, ये स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है। ये पिछड़े और दलित तो सब समझ गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि धीमे धीमे सब चीजें प्राइवेट कर दो। जब प्राइवेट कर दोगे तो अपने आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा वैसे वैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, उससे जागरूक हो गए। केवल यही नहीं है, आप स्ट्रेटजी देखिए, पहली सूची आती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे ज्यादा हम पिछड़ों को सीट दे रहे हैं। अरे इस बार पिछड़े सब जागे हुए लोग हैं। जो मुख्यमंत्री पूरे 4.5 साल ये कहता हो सबका साथ सबका विकास, फिर उतर आए हो 80-20 पर, और फिर अब इस सवाल पर उतर के आए, वो दूर न जाए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्ती हुई है उसका सामाजिक न्याय बता दीजिए, क्या किया उन्होंने सामाजिक न्याय, केवल एक जगह बता दीजिए। दूसरा AKTU जो कलाम साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी है उसमें जो भर्ती हुई है वो बता दें। अभी कल मैं किसी का भाषण सुन रहा था, कहा कि जो भर्तियां हो रही वो खुली छूट है भर्तियों की। इसलिए मुख्यमंत्री से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अब जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री झूठ बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी उनसे दुखी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है तभी टिकट मांग रहे थे। जो मुख्यमंत्री टिकट मांग रहा हो उसके मन की टिकट न मिली हो, जिसे संतों ने और गुरुओं ने कहा हो कि अगर आ गए फैजाबाद तो विदाई कर देंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने विदाई कर दी गोरखपुर भेज करके। नहीं उनसे नहीं, सवाल हम ही देंगे उनके बिहाफ पे जवाब। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता दिखाया उसी वही सभी चाहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो ना समझो, दोबारा पढ़ लो। बताओ लखनऊ में रह के इतना नहीं जानते? इतनी प्रतिमाएं लगी बाबा साहब की, ज्योतिबा फूले की लगी वहां, और माननीय काशीराम भी खड़े, नहीं समझ में आता तुम्हें कुछ? क्या चीज उनके लिए योजना बहुत बड़ी है, अभी बता दूं। उनके लिए योजना है सरकार ही योजना है। वो सब हमारे आंदोलन समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो जानते हैं कि समाजवाद को खतरा है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है। जो समाजवादी हैं वो इस बात को पहचानते हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने स्वागत किया है दारा सिंह चौहान जी का और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लोगों का। और पहली बार नहीं, आप हमारे बगल में संजय चौहान जी बैठे हैं, पूरा प्रदेश घूमे हैं। आप बताइए समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ उनके समाज में उसके आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। अभी हमारे पास रामपाल भी आ गए हैं, बताइए यहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको कुछ? तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। कल एक बात कही थी, अब आपने बाहर से बैन कर दिया है, बाहर से लोग नहीं आएंगे,
ये जो बैन है ये सब बीजेपी स्पेसिफिक है, कांग्रेस वालों को लेंगे या सबके लिए बैन? नहीं, अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी से मैं कहता हूं, अपनी जिसको टिकट देना चाहो दे दो। कौन कह रहा है ये बात? अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, समझ गया समझ गया। नहीं मैं बात समझ, दो बात कह रहे थे ना भाई, अनुराग ठाकुर अलग चीज है, असीम अरुण अलग चीज है। अच्छा दोनों एक साथ रहे होंगे आप? देखिए आप उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, आप उनके सवालों के चक्कर मत पड़ा करो, आप उत्तर प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उनसे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द, अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोले तो उनके मुंह पे चिपका देना। और दूसरे एक और का एक अधिकारी, तो सोचो वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे वर्दी में। यही बात तो मैं कहता हूं पहले दिन से, क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कहां हुआ ऐसा? और गोरखपुर कैसे भूल जाओगे आप, यहां पर एक व्यापारी को पुलिस ने मार मार के मार दिया। ये पुलिस के लोग वो थे जिन्होंने लगातार अन्याय किया, अपने सरकारी लोगों को, सरकार के लोगों को खुश करने का काम किया, और आज उन्हें इनाम मिल रहा है। जहां कहीं भी इनाम मिलेगा उनकी जमानत जब्त होगी, कहीं तो चुनाव लड़ने जाएंगे वहीं पर जमानत जब्त होगी। नहीं नहीं पिछले नहीं, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम प्रोग्रेस में, आप बात फर्क समझिए। आप पहले सवाल पूछो फिर फर्क समझाऊंगा। ए पत्रकार भाई कुछ समझे नहीं तुम अभी तक? मैंने कल भी कहा कि जब से ये लोग सब आए हैं साथ और जब से गठबंधन हुआ है 80% लोग हमारे साथ हैं और आप जैसे लोग 20% खिलाफ हैं। आप समझ क्यों नहीं पा रहे बात को? तो बताओ 100 में 100 है हमारे साथ कि नहीं है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होगी, यही फर्क साफ है। और हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। देखिए बात थोड़ी समझिए, बात थोड़ी समझिए। अभी हम जानकारी कर लेंगे कि वो असली आदमी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है चुनाव से पहले, इसके लिए तैयार रहिए आप। आप लोग एक मिनट, आप चुनाव से पहले तैयार रहिए, यहां कोई भारतीय जनता पार्टी का भी आ सकता है। और आप में से सब लोग जानते हो कौन भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है। क्यों पत्रकार साहब ये बात सच है कि नहीं सच है? तो ये हम सब लोग जानते हैं, इस तरह के घटनाएं, इस तरह के नाटक, इस तरह के बदनाम करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा। देखिए तो चुनाव तो होने दो, अभी तो शुरुआत ही है। और देखिए चुनाव में टिकट के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है,
टिकट जब नहीं मिलती है और मिल जाती है तो कई कार्यालय फूके जाते हैं, पिटते हैं, कुर्सियां तोड़ी जाती है। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। वो अपनी जिद कर रहा है, तो मैंने कहा पुलिस से कहा कि उसे भेजो, हम देख तो लेंगे कौन है जिसने पार्टी में काम ही ना किया हो और टिकट मांग रहा हो, और हाईलाइट होने के लिए आप में न्यूज बन जाए इसलिए कुछ डाल दिया ऊपर। नहीं नहीं ये नहीं कहूंगा मैं, नहीं ये नहीं कहूंगा। आपको हो सकता है कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में कुछ कार्रवाई हो जाए, बाकी कुछ नहीं होगा। कोई चाणक्य नहीं होता, आप असली चाणक्य जनता जी। तुम यार किस प्रदेश के रहने वाले हो? एक महीने पहले आ चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई लखनऊ में, और अब वो ट्रेन वो बेसिकली ट्रेनिंग द ट्रेनर्स हुआ है, मतलब उनको यहाँ ट्रेनरों ट्रेन किया, अब वो जाके नीचे ट्रेन करेंगे और फिर नीचे ट्रेनिंग होगी। उत्तर प्रदेश में गुजरात के लोग पहले आ गए, कौन नहीं जानता ये बात? और तुम ये बात, ये तो उत्तर प्रदेश में आए, हालांकि वो बात बहुत अलग हो जाएगी, मतलब लोग बुरा मानेंगे हो सकता है उससे। गुजरात के लोग सब कुछ ले गए आपकी अर्थव्यवस्था का, वो नहीं बोलोगे? सब अर्थव्यवस्था ले गए, वो नहीं बोलोगे? केवल ये कहो गुजरात के लोग आ गए। मैं मुझे याद है एक लंदन में मुझे गुजरात के सूरत का वो मिला था सभासद 2014 के चुनाव के बाद, तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश कैसे आए थे आप? बोले हम बनारस में थे। मैंने कहा चुनाव में आपने बहुत कुछ फैलाया? उसने कहा हमने फैलाया नहीं, हमने बांटा भी है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि ये जिस तरह के प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारा कोई भी कार्यकर्ता दूसरे प्रदेश का नहीं आया है, हम चुनाव आयोग को लिख करके शिकायत करेंगे और हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे वो सूची हमें जरूर देना जहां तुमने गुजरात के लोगों को देखा था, गुजरात के लोगों को पाया था, जरूर चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे, जिससे प्रोटोकॉल को, कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए दूसरे प्रदेश के लोग, चाहे राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे किसी प्रदेश के आए हो, उन्हें वापस उनके प्रदेश भेजा जाए। उसी की वजह से सब लहरें आ रही हैं, तुम्हें नहीं पता लगा? देखिए कैसे रोक दिया, जहां सड़कों पे हमारे साथ लाखों लाख लोग थे, अब क्या हो गया? हम लोग यहां बैठ गए, टीवी पे पहुंच गए, टीवी पे रह गए, छोटे से मोबाइल पे रह गए, नेटवर्क के भरोसे पे रह गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रह गए, और हम अपने मजबूत कार्यकर्ताओं की मेहनत पे बैठे हैं यहां पर। हमें उम्मीद है कि इन सबको प्रोटोकॉल को मानते हुए हमारे कार्यकर्ता गांव गांव फिजिकली काम करेंगे, ये वर्चुअल हवाबाजी लोगों की बैटरी खत्म हो जाएगी। अरे भाई मैं क्या जानू कौन क्यों नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में, ये गुजरात के लोग बता रहे इतने आ गए, और बताते हैं यही लोग बताते हैं गुजरात के लोग सब सामान ले गए यूपी का, ये भी सही बात है कि नहीं?